अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है जिसमें ट्रंप और कमला हैरिस के बीच मुख्य मुकाबला है। कुछ वक्त के बाद चुनाव के नतीजे भी साफ हो जाएंगे, अमेरिका को अपना नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। इसके बाद जीता हुआ उम्मीदवार अगले 4 सालों तक अमेरिका की जिम्मेदारी संभालेगा। इस बीच कयासों का दौर भी जारी है कि इस चुनाव में जीत किसकी होगी। ट्रंप और हैरिस के बीच शुरू से ही रोमांचक मुकाबला दिखाई दे रहा है। इस बीच अमेरिका के नास्त्रेदमस कहलाने वाले एलन लिक्टमैन की चुनावी नतीजों पर भविष्यवाणी की खूब चर्चा हो रही है। लिक्टमैन एक अमेरिकी लेखक और राजनीतिक पूर्वानुमान करता है। चलिए जानते हैं कि अमेरिका के नास्त्रेदमस एलन लिक्टमैन ने कौन सी भविष्यवाणी की है। अमेरिका के नास्त्रेदमस एलन लिक्टमैन ने भविष्यवाणी की है कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस ट्रंप पर भारी पड़ेंगी। उन्होंने ओपिनियन पोल की डेटा को लेकर कहा था कि इसे आग के हवाले कर देना चाहिए। लिक्टमैन ने भविष्यवाणी की है कि कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। वो पहली महिला और अफ्रीकी एशियाई मूल की राष्ट्रपति होंगी। आपको बता दें, ये दावा किया जाता है कि लिक्टमैन ने बीते 40 साल से लगातार सही चुनावी भविष्यवाणियां की हैं। लिक्टमैन ने यह भी कहा कि उन्होंने साल 2016 में डोनाल्ड ट्रंप की जीत की भविष्यवाणी कर दी थी, जबकि सर्वे में सबसे प्रतिष्ठित प्रिंसटन यूनिवर्सिटी कंसोर्टियम ने हिलेरी क्लिंटन के जीतने की बात कही थी। हालांकि लिक्टमैन ने यह भी कहा है कि हो सकता है कि मैं गलत साबित हूं, क्योंकि मैं एक इंसान हूं और इंसान गलती कर सकता है, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं है।